हेलो सर, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू। सत सो प्रदीप सर, जिदा मैं कहा क्योंकि सेमिनार्स ऑलरेडी चल रहे हैं, राइट, तो हाले तो मेरे ख्याल के हाले तो बहुत लंबी गिनती जी है सेमिनार्स की बाकी भी है, बट जेडे हो चुके किदा का सक्सैस रेट, किदा का रिजल्ट, कि रौनक जो स्टूडेंट्स देखने को मिल रही ने। देखो, अभी तक का सबसे सक्सेसफुल ये सेमिनार चल रहा है जी। इमिग्रेशन इंडस्ट्री में जिसने भी एजुकेशन फेयर करे हो, किसी भी बड़ी कंपनी में, उन सबसे सक्सेसफुल ये जा रहा है। इसके पीछे रीजन है कि अंडर वन रूफ हमने हर वीजा की बात की, यहाँ हर एज के कैंडिडेट को हमने एंटरटेन किया है। यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स हैं, पूर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप। यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे कोई भी सिंगापुर से लेकर यूएस तक कहीं भी जाना चाहता है तो उनको काउंसलिंग दी जा रही है टूरिस्ट वीजा की। यहाँ पे कोई बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहता है स्पेशली फॉर कनाडा तो बिजनेस वीजा इंटरटेन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई स्पाउस वीजा के लिए जाना चाहता है, जिनके स्पाउस ऑलरेडी, जिनके मेन स्टूडेंट आगे बैठे हैं, जो हस्बैंड या वाइफ, तो उनका स्पाउस अगर जाना चाहता है तो स्पाउस वीजा की यहाँ पे बात हो रही है। और कोई डायरेक्ट पीआर लेना चाहता है तो पीआर के लिए भी यहाँ पे हमने काउंसलिंग दी है। मतलब हर एक वीजा की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स हैं, वेस्ट ओवरसीज की टीम है, मैं खुद बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से टीम आई हुई है, कनाडा से टीम आई हुई है, जो कि मारा और आरसीआईसी कंसल्टेंट है वो यहाँ पे बैठे हैं। मतलब क्वालिफाइड टीम बैठी है और यहाँ पे हर फेयर में हजारों की संख्या में बच्चे पहुँच रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सो फिलहाल जी बाकी दे दिन जड़े हुन रह गए ने, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आज जो हमारे फेयर थे वो बठिंडा और यमुनानगर में चल रहे हैं जी। तो कल 7th को फ्राइडे के दिन हमारा अंबाला एंड जम्मू फेयर है जी। 7th अप्रैल फ्राइडे के दिन अंबाला एंड जम्मू है, तो नोट कर लीजिएगा प्लीज अपना कॉपी पेन लेके, इट्स रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके शहर में हम आ रहे हैं आपके लिए। तो 7th अप्रैल फ्राइडे के दिन अंबाला एंड जम्मू, अंबाला में होटल क्लार्किन है और जम्मू में होटल विवेक है। 8th अप्रैल सैटरडे के दिन कुरुक्षेत्रा एंड गुरदासपुर, कुरुक्षेत्रा में होटल सैफ्रॉन पिपली रोड पे और गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल है। और 9th अप्रैल को संडे के दिन करनाल एंड लुधियाना, करनाल में होटल डिवेंचर और लुधियाना में ए होटल फिरोज गांधी मार्केट। 10th अप्रैल मंडे के दिन सोनीपत एंड संगरूर, सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट, सुभाष चौक पर, संगरूर में होटल के आर ब्लेसिंग में हम आ रहे हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल को इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में हम आ रहे हैं। ट्यूजडे का दिन है 11 अप्रैल को, होटल द रॉयल प्लाजा, जहाँ पे हर बार वेस्ट ओवरसीज फेयर करता है और बहुत सक्सेसफुल होता है, हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं। 12 अप्रैल को वेडनेसडे होतक, रोहतक एंड कैथल, रोहतक में होटल रिवोली है और कैथल में होटल गोल्डन है। 13 अप्रैल थर्सडे के दिन चंडीगढ़, होटल अरोमा, बार बार वेस्ट ओवरसीज यहाँ करता है और बहुत ज़्यादा बच्चा ये चंडीगढ़ में पहुँचता है। थर्सडे के दिन चंडीगढ़, होटल अरोमा, 13th अप्रैल को। 14 अप्रैल फ्राइडे के दिन श्रीगंगानगर एंड देहरादून, श्रीगंगानगर में होटल प्राइम प्रेसिडेंसी और देहरादून में होटल जे एस आर कॉन्टिनेंटल में वेस्टर्न ओवरसीज हमेशा रियलिटी टेस्ट करता है, रियलिटी टेस्ट, वही में हम एजुकेशन फेयर कर रहे हैं। 14th अप्रैल फ्राइडे के दिन क्लियर हो गया श्रीगंगानगर एंड देहरादून। 16th अप्रैल संडे के दिन जयपुर, होटल हिल्टन, और 20 अप्रैल को थर्सडे के दिन हम इंदौर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, होटल सरोवर पोर्टिको, जो कि एमजी रोड रीगल स्क्वायर पे है। तो यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वेस्टर्न ओवरसीज की टीम होगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे और आरसीआईसी मारा कंसल्टेंट होंगे। हर एक वीजा की यहाँ पे बात होगी, ऑन स्पॉट एडमिशन पे, खासकर स्टूडेंट वीजा की यहाँ बात हो रही है। 50% एप्लीकेशन फी एंड सर्विस चार्ज में वेव ऑफ मिलेगा। हर एक कैंडिडेट को जो भी आएगा, जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है, उसके लिए उसकी चेकलिस्ट होगी और अदर इंफॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट होंगे, ताकि आप फर्दर जब भी वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विस लेना चाहें उससे पहले आपके पास पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन पैक हो। तो इन फेयर में पार्टिसिपेट जरूर करें, 9115 0017 0017 पे कॉल कर ले या westernoversea.event पे जाके अपना लॉगिन कर ले और उस पे अपना छोटा सा फॉर्म है उसको फिल करके अपना प्रायोरिटी पास अप्लाई कर दें। ये फेयर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी 12th के एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये पता लगेगा यहाँ आके कि अपकमिंग इनटेक कौन सा है, कितने फंड रिक्वायर्ड है, कौन से कोर्स में जा सकते हैं, उस कोर्स का आउटकम क्या होगा, किस कंट्री में आपकी सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी है और किस में नहीं है। इसमें आपको बताया जाएगा स्टूडेंट वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसमें बताया जाएगा बिजनेस वीजा के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसमें बताया जाएगा अगर आपने कोई और वीजा पीआर या स्पाउस वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, वेस्ट ओवरसीज की टीम होगी, आरसीआईसी एंड मारा कंसल्टेंट होंगे यहाँ पे, जो कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। साथ साथ में
साथ साथ में यहाँ पे IDP सर्टिफाइड ट्रेनर, इसके अलावा ETS टफल के लिए और पियर्सन PT के लिए सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, जो आपको बताएंगे कि 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज क्या है। रियलिटी टेस्ट देना है तो रियलिटी टेस्ट के लिए क्या कब कब अपकमिंग हो रहा है और उसके फायदे क्या हैं। आपने जर्मन सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, तो फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे टीचर्स बैठे होंगे जो आपको बताएंगे कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है और किस तरीके से इस कोर्स को आप क्रैक कर सकते हो। जी सो साथ साथ असी जिहड़ियां कॉल्स ने ओह भी जरूर लवांगे जी सारे दर्शकों दीआं जिन्हां ने इह जिहड़े इस वेले सानू लाइव देख रहे ने। हैलो, हैलो, हां जी मैडम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, मैं गगन गल कर रही हूं मानसा तों। जी बोलो जी। मैम मैं अपने ब्रदर दी प्रोफाइल डिस्कस करनी थी, उन्हें रिसेंटली 2022 दे विच प्लस 2 कीती है कॉमर्स स्ट्रीम दे विच। ओके, ओवरऑल 52% हैगी ओदी एंड PT दे विच 58 स्कोर है, नॉट लेस देन 53। तो मैनू कनाडा दे लई ऑप्शंस चाहिए थी ओदे लई। ओके, तुसी केड़ी जगह तो गल कर रहे हो? मानसा। बठिंडा हमारा सेमिनार है, ये आज के दिन ही चल रहा है बेटा, आज के दिन ही चल रहा है, 6 अप्रैल आज के दिन ही यहाँ पे बठिंडा चल रहा है, होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। अदरवाइज आप बेटा मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मेरा ऑफिस है अजीत रोड पे, आप वहां पे मेरी टीम से आके मिल सकते हैं। जी, So, मिस तुसी करता जी, नहीं तो तुसी ऐसे सेमिनार। बट एनीवे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने टीवी पे कॉल किया है तो मैं बताना चाहूंगा, आपका भाई एलिजिबल है, नॉन SDS कैटेगरी में आपके भाई की फाइल डलेगी। 58 बताए या 52 बताए, या मैं डाइसी हूँ, 52 है तो थोड़ा स्कोर है, 58 भी स्कोर कम है, लेकिन मुझे देखना है कि मेजर सब्जेक्ट्स में नंबर कम है। अगर किसी में 50% से कम है तो आप फंस जाओगे, 50% से किसी मेजर सब्जेक्ट्स में नंबर कम है तो फंसोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो 58-55 होते हैं ना, तो देखा गया है कि एक मेजर, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स में किसी में 50 है, किसी में 52 है, किसी में 48 है, विक वीक प्रोफाइल होती है, खासकर कनाडा के लिए, खासकर ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उधर से आपने PT कर ली, PT पे आपकी नॉन SDS फाइल लगेगी। बट एनीवे आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और साथ साथ में क्या नाम है, नॉन SDS फाइल है तो नेक्स्ट ईयर के फंड्स आपके भाई को दिखाने होंगे। जी, यानी नॉन SDS दे असी अप्लाई कर सकते हैं। प्रदीप सर, कुछ लेटेस्ट वीजा आए ने SDS या नॉन SDS, कुछ की देख रहे हो इस रोज के 15-20-25 वीजा अप्रूव हो रहे हैं। ओके, खासकर ये कनाडा की बात हो रही है, तो जो मई इनटेक और सितंबर इनटेक दोनों के लिए हमारे वीजे आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास उन स्टूडेंट्स के भी वीजा आ रहे हैं जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं, UK अप्लाई कर रहे हैं, या अपना US अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपका यूरोपियन कंट्रीज अप्लाई कर रहे हैं, सबके वीजे हैं मैम। बट उससे पहले मैं चाहूंगा, अपना एक सेलिब्रिटी है सारा गुरुपाल, ओके, उन्होंने एक कैंपेन चलाया हमारे लिए कि भी वेस्ट ओवरसीज के एजुकेशन फेयर में जरूर पार्टिसिपेट करें। मैं चाहूंगा वो 1 मिनट की क्लिप है, हाँ, वो जरूर ऑडियंस को दिखाई जाए। उसके बाद जिन बच्चों की वीजा आए ने, मैं जरूर चाहूंगी। जी बिल्कुल, तो जी सारा गुरुपाल जी हैं जो आपको इनवाइट कर रही है अपकमिंग फेयर के लिए। वेस्टर्न ओवरसीज लैके आ रही है तुहाडे वास्ते इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर, होण जा रहा है 3 अप्रैल तो लैके 20 अप्रैल तक 24 शहरां दे विच। जे तुसी भी चाहुंदे हो स्टडी वीजा, स्पाउस वीजा, बिजनेस वीजा, टूरिस्ट वीजा, या फिर अप्लाई करना चाहुंदे हो डायरेक्ट PR, तां पार्ट बनो इस फेयर दा, मिलो RCIC और मारा कंसल्टिंग नूं अते 200+ कॉलेज ते यूनिवर्सिटीज दे डेलीगेट नूं, ते पाओ 50% ऑफ ऑन एप्लीकेशन फी ते सर्विस चार्जेस। सो डोंट मिस द चांस, एंट्री इज फ्री फॉर ऑल, ते हुणी अपने शहर दे लई अपनी सीट बुक कराओ। सो फिलहाल तो जी ये तो सारा गुरपाल ते जिन्हां ने सेमिनार्स ते इंफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी दित्ती, बट फिलहाल हुण उहनां स्टूडेंट्स दे बारे जी जिन्हां दे लेटेस्ट वीजा जिन्हां ने हासिल किए ने, प्राप्त किए ने वेस्टर्न ओवरसीज दे थ्रू। Myself Arushi Rathore, and I had one refusal from Canada. At that time, I was totally broken and there was no rays of hope. At that time, I visited Western Overseas, and I'm very glad to tell you now that I received a visa within 8 days. मेरा नाम राहुल है, मैंने 2019 में अपनी BA/LLB complete की थी और उसके बाद मैं एज एन लॉयर हिसार बार में प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद मैंने अपना PT का एग्जाम दिया जिसमें मेरा ओवरऑल स्कोर 78, नॉट लेस देन 71 था। मैं YouTube पे वेस्टर्न ओवरसीज की वीडियो देखता रहता था। उसके बाद मैंने अपनी फाइल यहाँ से लगवाने का डिसाइड किया। जैसे ही मैंने अपनी फाइल लगवाई, उसके 2 दिन के अंदर मेरा ऑफर लेटर आ गया और आज विद इन 10 डेज मेरा वीजा भी आ गया। हेलो गाइस, पहले मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा था
और मेरा 2021 पास आउट है आइलेट्स की पहले मैंने, और फिर अप्लाई करा लेकिन वहाँ से मेरा रिफ्यूज हो गया था। फिर मैम से बात करी तो मैम ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला। जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करा वहां से मेरी जीटी भी क्लियर हो गई और विद इन 16 डेज मेरा वीजा भी आ गया। Today I'm very happy because I saved my Canada study visa. मैं 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰਸ। Then I give my IELTS exam with overall 7 band, not less than 6. ਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੱਸੇ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਇਨ 4 ਡੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਐਂਡ 29 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਟੁਡੇ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ 2-year ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ। ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2022, ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਆਈਲਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਵੈਸਟ ਇਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਸਕੋਰਡ ਓਵਰਆਲ 7 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। I'm very grateful. Hi everyone, my name is Prarthana. I have done my BSc in fashion designing in year 2020. After that, I have applied for Canada study visa, but unfortunately my file was refused twice through some other agents. But then one of my friends suggested me to visit Western Overseas. In just 10 days, I have received my Canada study visa for Cape Breton University and the program is business management. Hi, I am Muskan. I got my student visa along with my spouse for Australia. I'm very grateful for Western Overseas and team for this. If I talk about my profile, I have done Bachelor's of Nursing and my PT score is overall 79. After completing PTE, I visited Western Overseas office and they provided me genuine guidance and help. Myself, Anshi, I have completed my 12th in year 2022 from non-medical stream with 81 percentile. I have applied for University of Adelaide and I'm very happy I got my visa today. My name is Naman Karra. I got my Canadian visa in 18 days. And I was referred by my sister. She also got her visa in very short period of time. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ, ਆਪਣਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅੱਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿੰਕ, ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਾਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਆਪਕੋ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਮੇ ਆਕੇ ਖੁਦ ਕੋ ਪਰਸਨਲੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਅਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੇ ਹਨ? ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ is a authorized and a premium partner for CBU. So they have a very good student ratio. So yeah, they both best chal rahe ho tusi? Actually, it's a very good fair going on. Western Overseas, which I have seen, crowd bahut acha aa raha hai subah se, and we are enjoying. Every student, I would suggest, do not just go with it, I want to go to Canada and I'll have a better life. You will have a better life if your career is settled. So always, always select the best program as per your ambition. Audience ko kya kehna chahenge aap? ऑडियंस के लिए, पीछे बहुत सारी ऑडियंस हमें देख रही है, ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, see every university, compare and then decide. So sade students to baad ji hun wari sade live darshak jehde sanna jude hoye ne, so ohna de sawalan di. Hello, namaskar ma'am. Madam namaste, kaun bol rahe ho? मैम, मुझे ना अपने बेटे के लिए प्रोफाइल पूछनी थी। हाँ जी, दसो जी। की कह रहे हो? प्लस टू करी है मैम, प्लस टू आर्ट्स में करी है। कदो की थी उन्होंने 12वीं? मैम 2022 में करी है। 22 में मैम 58 नॉट लेस देन 53 है। ओके, तो मैम उसको ना ब्रिस्बेन में करवाना है डायरेक्ट बैचलर के लिए।
और 58 नॉलेज में 53 है, और कब की है, 12th कब हुई है? 2022 में। परसेंटेज कितनी है मैम? 59 है। कॉलेज में एडमिशन हो सकता है और हम यूनिवर्सिटी में भी ट्राई करेंगे ब्रिस्बेन में आपको ऑप्शंस दिलाने की। नियरेस्ट ब्रांच में आप आ जाइए और अपने डॉक्यूमेंट एक बार दिखा दीजिए, या एजुकेशन फेयर नियर बाय जहां आपके हो रहा हो वहां भी आप आ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन 7 अप्रैल को फ्राइडे के दिन अम्बाला एंड जम्मू में हमारे हैं, अम्बाला में होटल क्लार्किन और जम्मू में होटल विवेक। 8 अप्रैल सैटरडे के दिन कुरुक्षेत्रा एंड गुरदासपुर में ये एजुकेशन इमिग्रेशन फेयर हो रहा है, कुरुक्षेत्रा में होटल सैफ्रॉन और गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल। 9 अप्रैल संडे के दिन हमारे करनाल एंड लुधियाना, करनाल में होटल डिवेंचर, लुधियाना में ए होटल। 10 अप्रैल मंडे के दिन सोनीपत एंड संगरूर में हमारे हैं, सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट एंड संगरूर होटल के आर ब्लेसिंग। 11 अप्रैल ट्यूजडे न्यू दिल्ली आ रहे हैं जी, कनॉट प्लेस होटल रॉयल प्लाजा। 12 अप्रैल वेडनेसडे रोहतक एंड कैथल, रोहतक में होटल रिवोली एंड कैथल में होटल गोल्डन। 13 अप्रैल चंडीगढ़ होटल अरोमा सेक्टर 22C। और 14 अप्रैल को फ्राइडे श्री गंगानगर एंड देहरादून, गंगानगर में होटल प्राइम प्रेजिडेंसी एंड देहरादून में होटल JSR कॉन्टिनेंटल। 16 अप्रैल संडे जयपुर आ रहे हैं जी होटल हिल्टन। और 20 अप्रैल लास्ट हमारा फेयर हो रहा है थर्सडे के दिन इंदौर होटल सरोवर पोर्टिको, जो कि रिगल्स केयर पे है, MG रोड। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, हर एक कंट्रीज के यहाँ पे डेलीगेट्स होंगे। स्टूडेंट वीजा अपकमिंग इनटेक की यहाँ बात होगी। आप चाहे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपका गैप है, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे इंटरटेन किया जाएगा। बट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट की कॉपी लेके आएँ, साथ साथ में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कितने फंड्स अवेलेबल हैं और ITR कितने की भरते हैं, ये थोड़ी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अगर प्रीवियस रिफ्यूज है तो प्रीवियस रिफ्यूजल की फोटोकॉपी और रिफ्यूजल लेटर मुझे जरूर चाहिए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। इसके अलावा आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। आप बिजनेस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट PR अप्लाई करना चाहते हैं, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, RCIC एंड मारा कंसल्टेंट होंगे जो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पैनल पे हैं। ये टीम कनाडा ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, साथ साथ में वेस्टर्न ओवरसीज़ की टीम है। 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप हमसे मिल सकते हैं। 9115017017 पे अभी कॉल कर ले, मैजिक नंबर है, इस पे फोन करिए, अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, या westernoverseas.events पे जाके भी आप लॉग इन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं जी। सो हर कैटेगरी दे जड़े साडे दर्शक ने जी, उन्हों का वेलकम है इन्होंने सैमीनार से विच। एंड जिन्हों रिजेक्शन आई हैं, जिन्होंने वीजाज हासिल नहीं हुए, फिर चाहे किसी भी कैटेगरी के वास्ते अप्लाई किया, दोबारा तो जरूर मौका लै सकते हो, बशर्ते एक चंकी हूँ काउंसलिंग की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी इतने आने वास्ते। तो इस जी मैं दो हूँ इजाजत, नैक्सट टाइम मुलाकात करा। एंड वैसटर्न ओवरसीज़ को फॉलो कर सकते हो जी इन्हों सोशल पेजस के उपर जाके भी। धन्यवाद।